right now and press the bell icon. Never. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। डिक्सन शेयर को लेके बहुत सारे अपडेट्स आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से डिक्सन के जितने भी अपडेट्स है, डिक्सन कंपनी को लेके, डिक्सन शेयर होल्डर्स को लेके क्या अपडेट है, हर एक चीज आपको जो है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो देखने के बाद डिक्सन शेयर को लेके जो भी आपके मतलब आप सोच रहे हैं शेयर खरीदने का या बेचने का, हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, केपी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं डिक्सन का जो है शेयर को लेके, शेयर का जो ग्राफ है, उसके बाद जिसने भी शेयर खरीदा है उनको इस स्टॉक में कितना रिटर्न मिल सकता है, यहाँ पे रिटर्न जो है कब तक देखने को मिल सकता है, क्या टारगेट प्राइस है, शेयर में अभी खरीदना है कि नहीं खरीदना है, वो सब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों एक साल पहले का डिक्सन का स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 4107.40 पैसा चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे अगर प्राइस देखेंगे एक साल के अंदर स्टॉक का प्राइस जो एक तेजी दिया था, उसके बाद स्टॉक ये कहाँ पे चल रहा है 3858.70 पैसा। मतलब यहाँ से अगर देखते हैं शेयर दोस्तों लगभग 200 से 300 रुपया जो है यहाँ पे 300 रुपया भी हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है गिरावट बना है। मतलब अगर आपने ये शेयर इस प्राइस में खरीदा है तो यहाँ पे आपको 300 रुपये के आसपास गिरावट बनता हुआ दिखा रहेगा। अभी एक साल के अंदर स्टॉक का प्राइस जो यहाँ पे गिरावट भी बना है, जो कि 3818.75 पैसे तक बना था, और इसका जो है हाई प्राइस या फिर बोल सकते हैं कि जो एक साल के अंदर इसने एक तेजी दिखाया था तभी का प्राइस देख सकते हैं 5753.45। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसे अपडेट्स देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसके चलते जो एनालिस्ट है शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उसमें से 50% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय कीजिए और बाकी जो है अलग अलग कह रहा है, कोई कह रहा है यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो वो भी हम लोग देखेंगे क्यों ये स्टॉक में सेल करने के लिए कह रहा है या फिर क्यों स्टॉक में बाय करने के लिए कह रहा है, उसका भी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने ये शेयर दोस्तों ये प्राइस में खरीदा है 5753.45 पैसे में, तो यहाँ से जो है अगर आप देखते हैं, अगर आपने ये शेयर होल्ड करके रखा है, अगर आपके ये शेयर होल्ड करके रखा है तो ये प्राइस से जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 1800-2000 के आसपास जो है स्टॉक में यहाँ पे गिरावट बनता हुआ दिखा है। तो फिलहाल यहाँ से जो खरीदा है हमें लगता है कि ये जो प्राइस है एक साल का, अगर हम लोग देखते हैं तो एक साल का जो प्राइस, एक साल पहले का जो प्राइस है शायद से वो प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे क्या अपडेट है वो भी हम लोग शेयर करेंगे और क्यों ये प्राइस जो है अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक गिरावट बना है, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं डिक्सन के शेयर में क्या चल रहा है, डिक्सन में क्या चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे डिक्सन का जो रिजल्ट आया है Q4 का, वो थोड़ा सा मतलब एक यहाँ पे छोटा सा जो है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का देख सकते हैं सर्ज 12.08% टू 3836 आफ्टर द कंपनीज कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट जंप 43% टू 63.13 करोड़ ऑन 40% राइज इन रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस टू ₹2952.75 करोड़ इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022 ओवर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का कंपनी का जो बोल सकते कि रेवेन्यू वगैरह था, कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट था, उससे इस साल का कंपनी का एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट 43% के आसपास जंप किया है। वही देखते हैं कंपनी का जो है रेवेन्यूज, वो भी लगभग जो है अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 40% के आसपास जो है उसमें भी जंप देखने को मिला है। टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे जो डिक्सन का बढ़ चुका है, जो कि 39.9% के आसपास जो है कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे EBI DTA जो होता है ड्यूरिंग द क्वार्टर, वो थोड़ा बढ़ चुका है 49% ईयर ऑन ईयर टू ₹120.02 करोड़। EBITDA मार्जिन इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022 वाज 4.1% एज अगेंस्ट 3.8% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021। तो यहाँ पे EBITDA जो है उसमें भी थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक डिविडेंड भी जो है कंपनी ने दिया है आपको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022 stood at ₹86.89 करोड़, व्हिच इज हायर बाई 42% कंपेयर्ड विथ ₹61.37 इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का सेम पीरियड का जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है
वो देखते हैं और अभी का देखते हैं, तो अभी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें यहाँ पे जो है एक ग्रोथ देखने को मिला है जो कि 42% के आसपास जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। द कंपनी रिकॉर्डेड 19% राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू रुपीज 190.33 करोड़ ऑन ए 66% इंक्रीज इन रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस टू रुपीज 10,697.08 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2020/2021। तो कंपनी का डिक्सन का जो यहाँ पे अगर शॉर्ट में बात करते हैं तो डिक्सन का जो है यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर में, और दो साल का भी अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी अच्छा खासा एक रिजल्ट पोस्ट किया है। कंपनी का नेट कैश जो होता है ऑपरेशन के एक्टिविटीज से वो था आप देख सकते 272.76 करोड़, और अभी जो है उसके पहले जो था वो था 170.11 करोड़। तो इसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। डिक्सन जो है बोल सकते हैं कि एक लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो हो सकता है कंपनी का जो एक्सपेंड जो है मतलब उसका जो बिजनेस है वो आगे जाके और भी आपको ग्रोथ देखने को मिले। अभी जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट है उसमें से जो है 50% कह रहा है स्टॉक में बाय कीजिए, होल्ड करने के लिए 27% कह रहा है, सेल करने के लिए 23% कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादातर जो है बोल सकते हैं कि जो एनालिस्ट शेयर मार्केट के उन लोगों ने यहाँ पे कहा या फिर उन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे जो है मतलब बाय करके चल सकते हैं 50% और सेल करने के लिए लगभग यहाँ पे जो है 23% के आसपास कह रहा है, होल्ड करने के लिए 27% के आसपास कह रहा है। तो यहाँ पे जो आपको एक अच्छा खासा टारगेट प्राइस का जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 क्वार्टर में रिटेल एंड अदर्स के पास 40.05% का स्टेक था, मार्च 2022 क्वार्टर में रिटेल अदर्स के पास 42.10% का स्टेक है। तो इन लोगों ने जो स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है रिटेल एंड अदर्स जो भी इन्वेस्टर्स है। प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 34.52% का स्टेक था, और प्रोमोटर्स ने जो है यहाँ पे स्टेक कम कर दिया है जो कि 34.30% कर दिया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है 18.51% का स्टेक था दिसंबर 2021 क्वार्टर में, और अभी जो है 16.39% हो चुका है फॉरेन जो कि 34.30% कर दिया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है 18.51% का स्टेक था दिसंबर 2021 क्वार्टर में, और अभी जो है 16.39% हो चुका है फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने स्टेक कम कर दिया है। म्यूचुअल फंड के पास 6.92% का स्टेक था, 7.21% का स्टेक हो चुका है। तो दोस्तों रिटेल अदर्स इन्वेस्टर जो है स्टेक कम किया है, प्रोमोटर स्टेक कम कर रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्टेक थोड़ा कम किया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, माफ कीजिए जो रिटेल अदर्स इन्वेस्टर उन्होंने बढ़ाया है। तो आप एक चीज देख सकते हैं ये दो क्वार्टर का अगर हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन तो जो प्रोमोटर्स है कंपनी के डिक्सन कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो अपना स्टेक यहाँ पे कम कर रहा है डिक्सन के शेयर में जो है वो या फिर डिक्सन कंपनी में जो है वो अपना स्टेक कम कर रहा है। तो इसी के चलते बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे वो सोच रहेंगे कि अभी यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है वो स्टेक कम कर रहा है तो सोच समझ के यहाँ पे खरीदारी करता रहेगा। और शायद से इसी के चलते जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट है उन लोगों में से देख सकते हैं सिर्फ जो है 15% का मानना है कि ये स्टॉक में बाय करके चलिए। तो अभी समझते हैं चलिए इसका जो टारगेट प्राइस है डिक्सन का टारगेट प्राइस क्या है या फिर टारगेट प्राइस को लेके क्या अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टारगेट प्राइस दिया गया है जो है एमके ग्लोबल से डिक्सन के शेयर को लेके एक बहुत ही सही या फिर बहुत ही बड़ा टारगेट प्राइस दिया गया है जो कि है 4,080 रुपीज का। तो एक साल पहले का जो प्राइस था उससे थोड़ा मतलब बोल सकते कम है, फिर भी अगर आपने शेयर लिया है अगर 4,000 के आसपास भी तो आपको शायद से टारगेट प्राइस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मानना है एमके ग्लोबल का कि यहाँ पे जो आप होल्ड कर सकते हैं डिक्सन के शेयर में और आपको ये स्टॉक का प्राइस जो है 4,080 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है एमके ग्लोबल से डिक्सन के शेयर को लेके। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एमके ग्लोबल हैज होल्ड कॉल ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया विद ए टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 4,080। द करंट मार्केट प्राइस हम लोगों ने देखा है, टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड प्राइस कैन रीच द डिफाइंड टारगेट प्राइस। तो एमके ग्लोबल ने जो यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया है आपको 4,080 रुपीज का, उसके लिए उन लोग का मानना है कि एक साल के अंदर ये टारगेट प्राइस हिट हो सकता है दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई टारगेट प्राइस जो है आप देखते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि कितना दिन के अंदर बताया जा रहा है कि वो हिट हो सकता है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल के अंदर एमके ग्लोबल का मानना है कि ये जो डिक्सन का टारगेट प्राइस है वो हो सकता है, हिट हो सकता है यहाँ पे। तो अभी स्टॉक में जैसा एक ग्रोथ देखने को मिला, लगभग बोलेंगे तो कुछ सेशन से स्टॉक में एक तेजी बनता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो अभी रिजल्ट आया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कंपनी में देखने को मिला है। तो अगर किसी ने शेयर लेके रखा है दोस्तों 4000 के आसपास भी, तो हमें लगता है थोड़ा होल्ड करेंगे तो आपको वो शेयर का प्राइस देखने को मिल जाएगा। बाकी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि डिक्सन के शेयर में क्या चल रहा है, डिक्सन में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।